असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आय शाह ब्लॉग उम्मीद आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखे होंगे जी तो आए एक कौन है ब्लॉग के साथ सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से कल के ब्लॉग की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन करूँगी कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जिंदगी काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट फॉर मी एटलीस्ट सो so, uh, बहुत से मिक्स्ड कमेंट्स आए जिन लोगों ने दुआएं दी अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करे उनकी दुआओं को कबूल करे मेरे हक़ में भी उनके अपने हक़ में भी लेकिन uh, कुछ लोगों ने uh, कहा कि शायद मैं जो है ना इस चीज़ को ब्लफ कर रही हूँ या ग़लत बयानी कर रही हूँ कि uh, यहाँ पे तो सिंगल मदर्स को जो है ना जैसे बहुत कुछ देते हैं और uh, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स और चाइल्ड केयर बेनिफिट्स एंड ऑल दोस्ट मिलता है मिलता है लेकिन उतनी ही हद में जितनी अगर अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको मिलता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपकी जॉब की इनकम के हिसाब से आपको देते हैं सो विच इज़ वेरी लेस फॉर मी क्योंकि मैं जो है ऑब्वियसली जॉब कर रही हूँ जॉब के बग़ैर यहाँ पे बिल्कुल गुजारा नहीं है दो लोगों की जॉब्स के साथ जो लोग हस्बैंड वाइफ रहते हैं बच्चों के साथ वो दोनों यहाँ पे जॉब करते हैं तब आप एक जॉब से ख़र्चे पूरे करके और दूसरी जॉब से सेविंग्स करते हैं मैं चूँकि अकेली हूँ सो तो इसलिए मेरी जॉब से सिर्फ मुश्किल ख़र्चे ही पूरे होते हैं तो so, यहाँ पे कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है कि मैं सिंगल मदर हूँ तो मुझे जो है ना बहुत कुछ ये लोग यहाँ पे दे रहे हैं मेरी जॉब के हिसाब से टैक्स भी उतना तो ही ज़्यादा कट जाता है जितनी पे आपकी ज़्यादा होती है पे टैक्स भी ज़्यादा कटता है फ़ायदा उनको होता है जो बेसिक इनकम से लो इनकम में बेसिकली सर्वाइव करते हैं सो so, उसके लिए या तो फिर यही है कि इंसान जॉब छोड़ के बैठ जाए जो इंसान यहाँ पे मेहनत करना चाह रहा है अपनी हिम्मत कर रहा है उस इंसान के लिए यहाँ पे कोई जो है ना आ, अकेले इंसान के लिए यहाँ पे जो है ना बहुत मुश्किल हैं क्योंकि जब आप अकेले रह रहे हैं सो गाड़ी की जो है अगर आपने गाड़ी रखी हुई है गाड़ी के बगैर भी यहाँ पे गुजारा नहीं है गाड़ी के साथ फिर गाड़ी की लीज़ है गाड़ी का जो है इंश्योरेंस होती है अब जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा है फिर उसके बाद आ, मैं यहाँ से अब मूव आउट भी करना चाहूँ तो भी जो है ना इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सूटेबल प्लेस राइट नाउ इन दीज डेज बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है फिर उसके बाद यहाँ पे जिस तरह आ, मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे जो चाइल्ड केयर भी मिलती है वो भी इट्स जस्ट इनफ के वो आयत के ख़र्चे ही पूरे होते हैं उसमें बिकॉज तकरीबन ढाई तीन सौ डॉलर जो है मैं इसका डे केयर का मैं भी पे करती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है लेकिन मैं भी इसकी डे केयर का पे करती हूँ सो so, क्योंकि इनकम के हिसाब से वो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं आपके जो आप टैक्स फाइल करते हैं हर साल उसके हिसाब से वो चीज़ें जो है ना कैलकुलेट होती हैं उसके बाद यहाँ पे घर का रेंट है ग्रोसरी है सो जॉब करके बस इतना ही बनता है कि इंसान जो है ना बस सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले सेविंग या अगर आप कहें ना कि जी आप पाकिस्तान का ट्रिप कर लेंगे बच्ची के साथ तो पाकिस्तान का ट्रिप का मतलब है कि यहाँ से आपने तीन चार हज़ार डॉलर का सिर्फ आपका जो है एयरफेयर होगा उसके बाद आपने यहाँ पे भी पीछे रेंट भी देना है अपनी गाड़ी का भी खर्चा यहाँ पे चाहे खड़ी हुई है लेकिन उसका खर्चा आपका होता है गाड़ी मुझे नहीं पता बाकियों के लिए लेकिन मेरे लिए इट्स नॉट अ लग्जरी इट्स नेसेसिटी फॉर मी सो आई हैव टू हैव अ कार अदरवाइज मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है स्पेशली यहाँ के वेदर में स्पेशली यहाँ की जो बसेज एंड ऑल इन सिचुएशंस में यहाँ पे आ, मैं यूके में भी रही हूँ यूके में लंदन में लाइक बसेस का बहुत अच्छा इंतज़ाम है लेकिन यहाँ पे उस तरह से लाइक कनेक्टिंग बसेस आपको मिलना बहुत दो दो तीन तीन घंटे जो लोग बसेस पे सफ़र करते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कम से कम आपको दो दो ढाई ढाई घंटे लग जाते हैं जिस जगह जाने के लिए आपको गाड़ी में शायद सिर्फ आधा घंटा लगे सो so, गाड़ी इज़ माय नेसेसिटी उसके बाद आ, मेरी जो जॉब है अभी उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ है इस एक महीने के लिए घर से करने के लिए दैन दे आर ऑल्सो फोर्सिंग मी के मैं ऑफिस आके तीन दिन ऑफिस से जॉब करूँ दो दिन घर से करूँ अब अगर मैं वो चीज़ भी करने लग जाऊँ तो दैट मीन्स कि मेरी फ्यूल का मुझे एटलीस्ट फाइव टू सिक्स हंड्रेड डॉलर मुझे फ्यूल के चाहिए होंगे बिकॉज तीन दिन यहाँ से जहाँ मैंने जाना है जॉब के लिए वहाँ तकरीबन इट्स लाइक सौ एक सौ दस किलोमीटर की ड्राइव बन जाती है आने जाने की सो so, डेली का जो है ना काफ़ी फ्यूल आपका लग जाता है फिर बच्ची को छोड़ना सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना सो so, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं आई एम ट्राइंग के आ, इस चीज़ में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए मुझे लेकिन ओबियसली जॉब है उनकी मर्जी है वो जिस तरह से करना चाहें दूसरी चीज़ दूसरा जो फैक्टर होता है कि जी आप यहाँ से कहीं और मूव हो जाए जैसे मेरी सिस्टर हैं यूके में वो भी मुझे कहती है कि इंग्लैंड आ जाओ इंग्लैंड में आके रह लो जो है यहाँ पे हम लोग हैं हम भी टेक केयर कर सकते हैं ये है वो आई नो वहाँ जाके चीज़ें शायद थोड़ी आसान हो जाए लेकिन वहाँ के लिए जाना भी अभी मुझे गाड़ी अपनी सेल आउट करनी फिर उसके बाद यहाँ से सारा वाइंड अप करना फिर उसके बाद वहाँ जा के मैं जॉब नहीं कर सकती एज ए कनेडियन मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती मैं जाके सिर्फ रह सकती हूँ जॉब नहीं कर सकती वहाँ के बेनिफिट्स नहीं ले सकती सो so, उसके लिए मुझे पूरा एक वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा जो शायद किसी भी कंट्री से कोई आए तो उसको करना पड़ेगा सो so, ऑब्सली उसके लिए आपको लॉयर्स की फ़ीसें वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस वो सारी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं ना अब इंसान जो इंसान पे चेक टू पे चेक चल रहा है वो ये सारे ख़र्चे कौन करे उसके लिए भला जन सिप करे मेरे अबू तो है नहीं कि जिनको मैं कहूँ कि जी आप आ, मैंने यहाँ से अब इंग्लैंड मूव होना है तो आप मेरा ये ये इतना ख़र्चा है आप करें तो शायद वो होते तो कर भी देते वो होते तो शायद ये सूरत हाल भी ना होती अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे आमीन सुब आमीन लेकिन वही बात है कि जब माँ बाप आ, स्पेशली बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो बेटियाँ अगर किसी मुसीबत में हों तो उन उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें बन जाती है। so, हैं सो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं इट्स नॉट कि मैं बैग उठाऊँगी और मैं यहाँ से कहूँगी कि जी मैं इंग्लैंड जा रही हूँ आई हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स फिर बच्ची है उस का वालिद है लाइक मेरा तो चलो कोई नहीं अब रिश्ता लेकिन उसका तो है ना तो मुझे उसकी भी परमिशन चाहिए उसकी भी जो है ना एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं अगर यहाँ से मूव आउट कर रही हूँ तो इफ़ ही इज़ ओके विद इट और नो सौ चीज़ें होती हैं मैंने चीज़ें बहुत जो है ना स्ट्रेटिजिकली ले कर चली हूँ इनको मैं कोर्ट कचहरी और इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती है। वो जितना उसका ख़र्चा देता है रेगुलरली नहीं देता जो भी उसके लिए वो करते हैं आई एम ओके विद इट सो मैं अगर वो चीज़ें जाके फाइट करूँगी मैं अपने लिए मेंटल स्ट्रेस अपनी बढ़ाऊँगी अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाऊँगी फिर जो है बच्ची को कोर्ट में लेके जाना उसकी ज़िंदगी पे भी कोई अच्छा असर अच्छा नहीं पड़ता तो so, जो चीज़ें आप आराम से सुकून से किसी के साथ जो है बैठ के डिस्कस करके आ, कर सकते हैं उनके लिए दो चार सौ हज़ार डॉलर की खातिर मैं उसका भी जिंदगी का सुकून बर्बाद करूं अपनी भी जिंदगी का सुकून बर्बाद करूं एक स्ट्रेस अलीहदा है वकीलों के खर्चे हैं मतलब देर इज़ नो बडी जो मेरे साथ हो के मुझे साथ जाए कि जी हाँ आज ये वकील के जा रही है आज ये इधर जा रही है तो इसको एक कहते ना एक इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत इंसान को ज़रूरत होती है सो so, अगर वो भी नहीं है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे रहना so, उसके लिए मैं चीज़ें जैसे कहते हैं ना चुपचाप बस जो आराम आराम से हो जाता है उतना करती हूँ जो मेरे बस में होता है जितनी मेरी कैपेसिटी है जितनी नहीं है मैं उस चीज़ को उसमें पढ़ती भी नहीं हूँ मैं अपने अल्लाह पर छोड़ देती हूँ वही जो है ना हर चीज़ को करने वाला है हर चीज को इंसान चाहे जितना मर्ज़ी खुदा नंसदा किसी को दूसरे को नुकसान भी पहुंचा देगा ना पर वो आप वो नहीं कर सकते जो अल्लाह की जात कर सकती है सो फिर उन चीज़ों से जब एक अल्लाह ने एक डिसीजन कर दी है तो उन चीज़ों से लड़ने का या उनके साथ फ़ाइट करने का कोई फ़ायदा है नहीं सो इसीलिए मैं चीज़ों को मिनिमल जो है ना ले चलती हूँ जितना मैं खुद जैसे कहते हैं ना ख़ुद बर्दाश्त कर सकती हूँ सो so, बाकी ये कि एक और चीज़ मेरे माइंड में आई कि जैसे यहाँ पे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और एक गाड़ी के ऊपर आप इंश्योरेंस कराते हैं ना तो आपको इंश्योरेंस सस्ती मिलती है अगर आप सिंगल जब होते हैं और आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी इंश्योरेंस महंगी हो जाती है सो so, ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि लाइक like, एक सिंगल बंदा ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस में चल रहा है ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स में हो वो चल रहा है वो उसके लिए खर्चे बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं हर तरफ से सो so, खैर ये था हमारा आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और कुछ शायद आप लोगों के क्वेश्चंस और आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे फिर भी अगर कोई और डाउट हैं कोई और क्वेश्चन हैं मेरे इससे रिलेटेड सो प्लीज़ डू आस्क मी आई एल ट्राई टू आंसर इट इन माई नेक्स्ट वीडियो और ये जो आप लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आती है ना ये बड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे दिमाग में और इंसान के जहन में क्या क्या सोचें चल रही होती हैं वो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन देम बस ये अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल बस यही छोटी सी हेल्प चाहिए मुझे आप लोगों से और ये जो है मैंने उस दिन भी लाइव भी गई थी सो तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ अपनी कोलीग के साथ उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया था सो तो हमने थोड़ी सी आउटिंग की उसके बाद ही उन्होंने लंच करवाया बहुत अच्छी जो है ना गपशप रही हमारी बहुत अच्छा टाइम गुजरा सो so यही बात होती है कोई इंसान आपसे जो है ना हंस के बात भी कर लेना तो वो भी बड़ी चीज़ होती है सो थैंक्स टू हर फॉर टेकिंग अस आउट एंड मेकिंग आर डे स्पेशल सो टेक केयर अल्ला हाफ मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय